बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। IPS की वर्षों पुरानी मुराद लखनऊ व नोएडा में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था के लागू होने के बाद पूरी हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े जिलों में ये व्यवस्था लागू करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी इस पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू करने के फिलहाल प्रदेश में बतौर परीक्षण मात्र देखा जा रहा है। हालांकि नया पुलिस सिस्टम लागू होने के बाद IAS लॉबी तिलमिलाई हुई दिखाई दे रही है। अब लखनऊ व नोएडा में DM का रुतबा कम हो गया है। नई कमिश्नरी प्रणाली के तहत ADG सुजीत पांडे पुलिस कमिश्नर लखनऊ, IG नवीन अरोड़ा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ, नीलाब्जा चौधरी ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम एंड हेडक्वार्टर को तैनात किया गया है। वहीं पर नोएडा जिले में ADG आलोक सिंह को नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। दूसरी तरफ पुलिस आयुक्त प्रणाली में DM के अधिकार घटे, DM के 14 अधिकार अब पुलिस आयुक्त को मिल गए हैं। अब 15 अधिनियम पुलिस आयुक्त के हवाले, NAS गैंगस्टर गुंडा एक्ट अब CP यानी पुलिस कमिश्नर के हवाले, फायर इंटेलिजेंस कारागार अधिनियम CP को, अनैतिक व्यापार पुलिस द्रोह अधिनियम CP को, जिलों में DM के अधिकार अब कम होंगे। लखनऊ में CP को 40 थाने मिलेंगे, लखनऊ रूरल में 5 थाने और 1 SP होगा। दोनों जिलों में ADG रैंक का अफसर, कमिश्नर 2 JCP, 2 DCP और महिला अफसर भी कानून व्यवस्था क्राइम ट्रैफिक को अलग अफसर, हर CP के अधीन एक महिला DCP होगी। मेरठ व लखनऊ के IG और ADG का रोल घटा, दोनों कमिश्नरों का सुपरविजन DGP करेंगे। नोएडा में कोई ग्रामीण थाना नहीं, नोएडा में पूरा क्षेत्र। उत्तर प्रदेश पुलिस की देश से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस सुधार का सबसे बड़ा कदम आज हमारी सरकार ने उठाया है। पिछले 50 वर्षों से बेहतर पुलिसिंग के लिए, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ और सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए जो एक मांग उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही थी, पुलिस आयुक्त प्रणाली की वजह बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात नोएडा, इन दोनों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का अभी यह प्रस्ताव पास किया है। यह पुलिस सुधार के लिए समय समय पर विशेषज्ञों के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए और जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे, जिस पर समयबद्ध ढंग से कार्रवाई न होने से न्यायपालिका हमेशा सरकारों को कटघरे में खड़ा करती थी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये वर्षों से इस बात को महसूस किया जा रहा था। देखिए, पहले पुलिसिंग जो होती थी वो डाइवर्सिफाइड वे में हो रही थी। बहुत से ऐसे पावर्स थे, बहुत से ऐसे कानून थे जिसमें हमें एक दूसरे पे डिपेंड होकर काम करना था। इससे मूवमेंट जो है वो स्लो होता था। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें तो कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन हम लेना चाहते थे या कोई भी हम निरोधात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यक चीज़ें करते थे, उससे हमें बहुत सी चीज़ों पर, बहुत से ऐसे फैक्टर्स पर निर्भर रहना पड़ता था। आज का युग जो है वो फास्ट रिस्पॉन्स खोजता है। अर्बनाइजेशन, जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह से अपराध के तरीके बदल रहे हैं, अपराध के आयाम बदल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें त्वरित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने माना कि पुलिस आयुक्त प्रणाली जो है वो सचमुच में बहुत ही सूटेबल है और लोकल कंडीशंस के आधार पर इसको डेवलप किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा औद्योगिक नगरी नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है।
आज एक मिथक टूट गया है कि उत्तर प्रदेश में कभी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू ही नहीं हो सकती, जो देश के 71 महानगरों में बहुत पहले से ही प्रचलित है। मैं इसके लिए प्रदेश की जनता, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह निर्णय उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है। इस प्रणाली में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, अपराधों को नियंत्रण करने में पुलिस को सीधे अधिकार मिल गए हैं, जिससे वह त्वरित निर्णय लेकर यहां की जनता को राहत पहुंचाएगी और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था, जो पहले से ही बहुत अच्छी है, उसमें और सुधार होगा और इससे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। पुनः योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई। एक बड़ी जिम्मेदारी है, मैं भी अभी वेट ही कर रहा हूँ, अभी ऑर्डर नहीं है, पर हाँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मुझ पर विश्वास किया गया है उसको मैं अच्छी तरह निभा पाऊँ, बहुत ईमानदारी से कोशिश। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।